जीएसटी को लेकर भले ही केंद्र सरकार गंभीर हो, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यहां योगी सरकार के मंत्री जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं जानते। मामला महाराजगंज से है, जहां प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री जीएसटी का पूरा नाम नहीं बता पाए। दरअसल यूपी के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर योजनाओं की जानकारी लोगों को देने पहुंचे थे। इस दौरान रमापति शास्त्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उनसे जीएसटी का पूरा नाम पूछा तो वो अटक गए। लागू होने वाला है, 1 तारीख से लागू होने वाला है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्या है जीएसटी का फुल फॉर्म? जीएसटी का फुल फॉर्म है नहीं पता। चलिए ठीक है, चलिए वो पता है उसका, मैं पढ़ रहा हूँ। तो 1 जुलाई से पूरे यूपी में जीएसटी लागू होने जा रहा है। सरकार भी पूरी तैयारियों में है, लेकिन उसके बाद भी योगी सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं। महाराजगंज का ये वाकया है, जहां पर योगी के मंत्री रमापति शास्त्री पहुंचे थे, लेकिन रमापति शास्त्री से जब मीडिया ने जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा तो वो जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं बता पाए। आजादी के बाद सबसे बड़ा सुधार कर माना जाने वाला जीएसटी 1 जुलाई से यूपी में लागू हो रहा है। सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है इसको लागू करने के लिए, और 30 जून की आधी रात संसद के केंद्रीय कक्ष में जीएसटी का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हो रहा है। लेकिन बीजेपी के ही नेता जीएसटी का पूरा नाम नहीं जानते। रमापति शास्त्री से जब जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया तो वो नहीं बता पाए जीएसटी की फुल फॉर्म। आइए एक बार फिर से सुनते हैं। लागू होने वाला है, 1 तारीख से लागू होने वाला है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्या है जीएसटी का फुल फॉर्म? जीएसटी का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। नहीं पता। चलिए ठीक है, चलिए वो पता है उसका, मैं पढ़ रहा हूँ। और ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, 1 जुलाई से जीएसटी यूपी में लागू हो रहा है, योगी सरकार पूरी तैयारियों के साथ नजर आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं जानते। साथी जी, मैं आपको बता देना चाहते हैं कि जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री जी आज आए थे सरकार के 100 दिन का कामकाज गिनाने के लिए और जीएसटी के बारे में बताने के लिए। उन्हें जो है पत्रकार जब जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया तो वो जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। जी ऐसी आधी अधूरी तैयारियों के साथ, आधे अधूरे ज्ञान के साथ क्या यूपी में जीएसटी लागू हो जाएगा? जी देखा जाए तो जीएसटी जो है जब वो फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं तो जीएसटी कैसे लागू होगा। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 1 जुलाई से पूरे यूपी में जीएसटी लागू हो रहा है, लेकिन रमापति शास्त्री जो प्रभारी मंत्री हैं महाराजगंज के, वो जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। जब मीडिया से इस बारे में मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ये 3 रंग सिर्फ रंग नहीं, एक पहचान है जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं। ये गीत सिर्फ गीत नहीं, एक जज्बा है जो हम सबको एक सूत्र में बांधता है। जीएसटी, ये टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं, एक पहल है देश के बाजार को एक सूत्र में बांधने। जीएसटी, एक राष्ट्र एक टैक्स एक मार्केट। बोर्ड एग्जाम हो गए रही? नहीं जी अंकल, बस रिजल्ट आना बाकी है। वेरी गुड।
अब बिटिया का किसी बढ़िया कॉलेज में दाखिला करा दो। मैनेजर साहब, कैसे भेजे कॉलेज?